अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यानी बीएथ एक्सप्लोरर्स एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तीफा के अनार गए थे। ये खूबसूरत जगह सवाबी में वाकिया है। इस नहर का पानी बहुत साफ और ठंडा है। सवाबी के इर्द गिर्द के अजला से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ सैर के लिए आते हैं। लोग अपने साथ खाने पीने का सामान या तो हमारी तरह तैयार लाते हैं या यहाँ के नहर के किनारे या दरख्तों के साये में पकाते हैं, जिसका मज़ा ही कुछ और। अब आते हैं अपने रिसर्च सेगमेंट की तरफ, ताकि हम जानें इस्तीफा नहर के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक इस नहर का असली नाम पिहोड़ केनाल है। ये डिस्ट्रिक्ट सवाबी में वाकिया है, जो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अजला में से एक है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरू की गई और 2004 में मुकम्मल हुई। इसको इस्तीफा केनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुर्की के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एसटीएफए ग्रुप ने डेवलप की थी। इस्तीफा केनाल तुरबिला डैम से ओरिजिनेट करता है। तुरबिला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम है। इसकी गहराई 470 फुट है और ये तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस डैम को 1968 में बनाया गया था। डैम के बारे में मज़ीद मालूमात खुद ही देख लें। लेजी लोगों, कुछ खुद भी पढ़ लिया करो। अम जोकिंग, बताता हूँ, ये रहा लोकेशन, ये रहे कोऑर्डिनेट्स, ये रहा कंस्ट्रक्शन डेट, ये रहा ओपनिंग डेट। कुल खर्चा 11.1 बिलियन यूएस डॉलर आया। इसको वापडा के सुपर्द कर दिया गया है। अब आइए आपको रास्ता भी समझा देते हैं। रास्ते में नौशेरा से हलीम लेना न भूलिएगा, वरना वहाँ ठंडे पानी के किनारे हलीम खाने के मज़े आप बहुत मिस करेंगे। भाई साहब ने हमें बकाया पैसे दे दिए और अब हमारे लिए हलीम डालने जा रहा है। ये गया चन्ना और भाई साहब ये गया रोगन, और इसके बाद हमें पैक करके दे दिया। हलीम दो शापर में पहले से पैक हो चुका है, इसलिए लास्ट नंबर चन्ने का था। तो दोस्तों, आप जहां से भी आ रहे हो, आपने जीटी रोड पर जहांगीरा पहुंचना है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हो तो वहां से लेफ्ट मुड़ना है, और अगर आप पेशावर की साइड से आ रहे हो तो वहां से राइट मुड़ना है। समझ नहीं आया तो नस्वार डालो और गूगल मैप लगाओ। मड़ा रास्ते में जगह जगह खूबसूरत नहर और पुल आते रहते हैं। रास्ते को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए और सफ़र का मज़ा लीजिए। बस फिर क्या है, सीधा सीधा जाओ जब तक आप सवाबी नहीं पहुंच जाते, और सवाबी में पहुंच कर इस्तीफा केनाल का पूछो। भाई साहब कहाँ है इस्तीफा केनाल? भाई साहब, ओ बेटक वाला भाई साहब ने हमें बताया कि वहां है इस्तीफा केनाल। ये शुरू हो गई सवाबी की कच्ची गलियां और गांव का इलाका। सादा लोग, आम फहम लोग, खूबसूरत मनाजिर, सामने पहाड़, नीचे नहर। और ये पहुंच गए हम इस्तीफा नहर जी।
यहाँ से ही शुरू होता है हमारा स्टीफन एयर। बहुत सारे लोग आते रहते हैं अपने साथ, कुछ अकेले, कुछ दोस्तों के साथ, और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाते हैं। आइए आपको सिनेमेटिक व्यू भी दिखा देते हैं। ये देखिए जी, ठंडा ठंडा पानी, खूबसूरत मंजर, कुर्बेला डैम से निकलने वाला बर्फ़ का पानी जी, ठंडा पानी। अभी हम शशोपंज में थे कि नहर में कूदें या न कूदें, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ लाइफ जैकेट्स भी मिलती हैं, और अगर रस्सी मिल जाए तो उसको गाड़ी के टायर के कमानों के साथ बांधकर आप नहर में बेखतर कूद सकते हैं। बस फिर क्या था, रस्सी ली और कूद गए। एक दोस्त नीचे, दूसरा दोस्त कूदने की तैयारी में, ये डर रहा था, लेकिन नीचे वाले दोस्त ने अपनी दोस्ती दिखाकर खींचा, ये गया। एक बात अपने साथ पल्लू के साथ बांध लीजिए, चाहे कयामत भी टूट पड़े, आपने रस्सी को नहीं छोड़ना। यहाँ रस्सी छूटी, उधर आपका लाइफ लाइन ख़त्म, क्योंकि यह गहरा पानी है भाई। अगर रस्सी को छोड़ा तो तैरना तो हमें आता नहीं। और अगर इस तरह के मुसलमान वहाँ हुए कि हम पर रहम खाकर हमको बचा भी लिया, तो वो हमारी अपनी किस्मत। हम वक्तन फवक्तन अनीस को तरगीब देते रहे कि एक डुबकी लगा लो, एक डुबकी लगा लो, सारे पसीने का मैल निकल जाएगा आपसे, लेकिन वो दिल नहीं कर रहा था। काफ़ी देर नहाने के बाद हमने सोचा अब खाना भी खाया जाए, तो बर्तन निकाल कर खाना खा भी लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरगर नन मुंगा इस्तीफा तरागले उदा को सवाब है कि यो ने दे लतुर बिल डैम न रहो दे दे इनके हय खूबी दी इंसान जब के दृश्य लोर में टकी की जिंदा के नमे में का सोम है दृश्यलोर में तो इंसान चीजें न पर एक दी दूसरी तासु पते जमा आवाज में तो पते लगी इंसान दी सरा पर एक दी दूसरी देर पछता द गर्मई मौसम तेरो लो द पारा औ द लग वक्त जे को लो द पारा पछता दे तासु कते शी देर खलक राजी पल अखले पखले म कई औ दल तक की कम ने न खम मजेदार एंजॉयमेंट कई इंग भाई सो मगर सर खबर हम को नो राजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरगरी नुम दिसे दे वाह دکم دین راغلی جی تاکالنا پی خبر تاکالنا ماشاءاللہ ڈیل سو مرگری راغلی یار لس راغلی او پہلے زل مرے کنا ڈیرو خوش دا یو شپل زل کی چرن ماشاءاللہ یعنی روزہ کی بم راغلی روزہ کی سنگا سمے سو سوئے خوان مزا خوان مزا خوش طرح یخ یو بم دی ہا جی خان اس کور کی فریجر کی وری جس ہاں بالکل لا لمبا مز ددا یو رامل گرے رے ہا جی یو اس زام ہا جی خان जबरदस्त او ایجوکیشن مستری سو کم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کم دیکھم پہ خبر کارش کی زبردست یونیورسٹی روڈ باندې زے مرګور انجوائے کوي ډیره مننه مهرباني شکر لاس مو سره
السلام علیکم دا راتو کول نو مو سره جی نو مو جی نا غر دی دا کوم دی ها ها نو سونو وخت نه تا دی ری میشت ها ها ډیر ها نو سنگا د داګو کوسم ته کوو سیل خوشی وي با هر ورځ تمره رشوی دل تا کنه نن خو د ګرش کم دی ها نیر لګاو ما خل نو کله دی نن دی نو رشوی نور کار کرا